हेडलाइंस की ओर। फेसबुक पर विश्वास नहीं किया जा सकता। न्यूजीलैंड प्राइवेसी कमिश्नर UPCM योगी को नीच कहने के लिए सपा नेता आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज। जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आया, PM मोदी पिता की तरह मेरे साथ खड़े रहे, वरुण गांधी। अब खबरें विस्तार से। फेसबुक पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, न्यूजीलैंड प्राइवेसी कमिश्नर। न्यूजीलैंड के प्राइवेसी कमिश्नर जॉन एडवर्ड्स ने क्राइस्टचर्च मस्जिद हमले को लेकर ट्वीट पर कहा है, फेसबुक पर विश्वास नहीं किया जा सकता है, कंपनी आत्महत्या, बलात्कार और हत्याओं की लाइव स्ट्रीमिंग करने देती है, मस्जिद पर हमले के वीडियो को पब्लिश करने देती है। उन्होंने कहा, फेसबुक अधिकारी नैतिक रूप से दिवालिया और झूठे हैं, जो नरसंहार रोकने में असक्षम है। UPCM योगी को नीच कहने के लिए सपा नेता आजम खान के खिलाफ शिकायत दर्ज। रामपुर उत्तर प्रदेश के लक्ष्मीकांत सैनी ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को कथित तौर पर नीच कहने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। सैनी ने शिकायत में लिखा है कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं, वह गोरखनाथ मठ के महंत भी है। टिप्पणी से लोग संत आहत हुए हैं। आजम के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वह आदमी केवल देश के लिए जी रहा है और देश के लिए मरेगा। PM मोदी पर वरुण गांधी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कहा है कि वह आदमी केवल देश के लिए जी रहा है और मरेगा केवल देश के लिए, उसे केवल देश की चिंता है। वरुण ने कहा, मेरे परिवार में भी कुछ लोग प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन जो सम्मान मोदी ने देश को दिलाया है वो लंबे समय से किसी ने नहीं दिलाया। जब भी मेरे जीवन में कोई संकट आया, PM मोदी पिता की तरह साथ खड़े रहे। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने कहा है कि जब भी उनके जीवन में कोई संकट आया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक पिता की तरह उनके साथ खड़े रहे। उन्होंने कहा, मेरी पहली बेटी के देहांत के बाद मैं टूट गया था, मुझे सबसे पहला फोन प्रधानमंत्री का आया। वरुण ने कहा, अगर कभी मैंने बीजेपी छोड़ी तो राजनीति से संन्यास ले लूंगा। तो MNS न्यूज की खबर देखने के लिए आज प्ले स्टोर से MNS इंडिया ऐप डाउनलोड करें और शेयर को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले। धन्यवाद।